रहे हैं अनूपगढ़ ज्योति चैनल, मैं आपके साथ प्रियंका। घटसाना से हमारे संवाददाता वेद अग्रवाल ने बताया कि टिड्डी दल के दस्तक होने पर तहसीलदार ने किया किसानों के खेतों का दौरा। किसानों की फसलों को भारी नुकसान, स्थायी समाधान तथा मुआवजे की मांग। घटसाना क्षेत्र में आज पाकिस्तान की ओर से आए टिड्डियों के झुंड ने किसानों की फसलों को भारी नुकसान पहुंचाया है, जिसको लेकर किसान वर्ग काफी चिंतित है। तहसीलदार दानाराम लूणा द्वारा स्थिति को देखते हुए विभिन्न गांवों में किसानों के खेतों का दौरा किया गया तथा जायजा लिया गया। तहसीलदार दानाराम लूणा के साथ गिरदावर, पटवारी, विभिन्न ग्राम पंचायतों के सरपंचों द्वारा किसानों के खेतों में जाकर मौके का निरीक्षण कर थालियां बजवाकर तथा धुआं करवाकर टिड्डियां उड़वाई जा रही हैं। तहसीलदार दानाराम लूणा एवं टीम द्वारा 3 GD, 5 GD डब्बर सहित विभिन्न गांवों का दौरा किया गया। व्यापार मंडल अध्यक्ष मंगत अग्रवाल ने बताया कि टिड्डियों के इस हमले से फसल खराब होने के कारण किसान वर्ग चिंता के घेरे में आ चुका है। कुछ समय पूर्व बरसात आने से नरमे की फसल बरसात से खराब हो गई थी। इसी के साथ साथ किसानों की फसलों पर 2% कर अतिरिक्त लगाने के कारण किसानों पर चारों ओर से मार पड़ रही है। किसान वर्ग पर मार पड़ने के कारण किसान वर्ग चिंतित नजर आ रहा है। गांव फुल्लेवाला से SFI नेता शोभा सिंह ढिल्लो ने बताया कि किसान घटसाना क्षेत्र में इस टिड्डी दल ने एक बहुत बड़ी संख्या में प्रवेश किया है, जिससे किसानों की नरमे की फसल लगभग नष्ट हो गई है, जिसके कारण किसान वर्ग को भारी नुकसान हुआ है। सरकार से किसानों की सहायता हेतु फसलों पर मुआवजे की मांग की गई है। 17 MD के किसान विनोद ढाका ने बताया कि इतना बड़ा टिड्डी दल आने से किसानों की फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है और पूर्व में भी लगातार बरसात होने से नरमे की फसल खराब हो गई थी। नरमे की फसल 6 माह अवधि की है। इस अवधि में पता नहीं कितनी बार यह टिड्डी दल यहां आएगा, जिससे किसानों को भारी नुकसान पहुंच सकता है। इस स्थिति को देखते हुए सरकार से स्थायी समाधान की मांग की गई है। इसी के साथ साथ गांव 8 DD निवासी वीरदीप सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि गांव 8 DD में भी फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है।